नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों, 23 मई की रात को गुरु चेले की जोड़ी का एक दूसरे के खिलाफ आमना सामना हुआ। क्वालिफायर मैच में आखिरकार जीत गुरु की यानी कि एमएस धोनी की हुई। बता दें कि एमएस धोनी की कैप्टनसी वाली सीएसके ने गुजरात टाइटंस की टीम को 15 रन से पटखनी देकर फाइनल में एंटर कर लिया है। इस मुकाबले में काफी कुछ नया देखने को मिला, जैसे कि चाहर शंकर से मजे लेते हुए नजर आए, तो वहीं गुजरात की टीम पहली बार सीएसके से हारती हुई दिखी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये रहा कि क्वालिफायर वन में बीसीसीआई ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की, जिसके चलते फैंस बीसीसीआई की काफी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मैच में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान स्क्रीन में डॉट बॉल की जगह पर पेड़ के एमओजी नजर आए। अब ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस के मन में ये सवाल आ गया कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्योंकि पूरे आईपीएल सीजन में ये एमओजी दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्वालिफायर वन में ये इमोजी नजर आया। अब ऐसा आखिर क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 के फाइनल में एंटर कर लिया है। धोनी ब्रिगेड ने पहले क्वालिफायर में गुजरात को 15 रन से मात दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 173 का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में ऑल आउट होकर 157 रन ही बना पाई। ये पहली बार रहा जब आईपीएल में सीएसके ने गुजरात को हराया। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल 3 मुकाबले हुए थे, जिसमें गुजरात को ही जीत मिली थी। तो वही सीएसके की अगर बात करें तो 10वीं बार ऐसा हुआ है जब आईपीएल के फाइनल में सीएसके ने अपनी जगह बनाई है। बता दें कि ब्रॉडकास्टर स्पोर्ट्स स्टार ने क्वालिफायर मैच में डॉट बॉल की जगह पर पेड़ के इमोजी दिखाए। डॉट गेंद की जगह दोस्तों पेड़ के इमोजी इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि आईपीएल 2023 प्लेऑफ में फेंकी गई हर डॉट गेंद के लिए 500 पेड़ लगाए जाएंगे, और ये फैसला बीसीसीआई ने लिया है। यानी कि क्वालिफायर मैच के बाद एलिमिनेटर मैच, क्वालिफायर 2 और फाइनल में जितनी भी डॉट गेंदे फेंकी जाएंगी उतने ही डॉट गेंद के लिए 500 पेड़ लगाए जाएंगे। अब क्वालिफायर 1 में अगर बात करें डॉट बॉल की, तो इस मुकाबले में 84 डॉट बॉल्स फेंकी गई थी, यानी कि अब बीसीसीआई 42,000 पेड़ लगाएगी। गुजरात और सीएसके के बीच हुए मुकाबले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा ने फेंकी, तो वहीं तुषार देशपांडे के नाम 11 डॉट बॉल रही।